हाँ तो भाई सब थंबनेल देख के यही सोच रहे होंगे कि यार ये वीडियो को तो बहुत लेट कर दिया बनाने में भाई आपने, क्योंकि कब से आ गई वीडियो, कितने लोगों ने डाल दी। तो देखो ऐसा है कि अगर स्पॉन्सर्ड वीडियो होता तो लॉन्च होने से पहले ही वीडियो आ जाता, या कंपनी ने भेजा होता तो लॉन्च वाले दिन आपको वीडियो मिल जाता। पर भैया खरीद के जब वीडियो बनाते हैं ना तो बजट का मसला हो जाता है, और बजट का मसला ये रहता है कि हर महीने हम जो क्रिएटर लोग होते हैं ऐसा छोटा मोटा बजट बनाते हैं कि इन बजट में हम लोगों को ऐसे ऐसे गैजेट खरीदना है, तो किसी अनावश्यक खर्चे नहीं कर सकते ना। तो जब बजट बन गया तो हमने खरीद लिया भैया वन प्लस का ये ईयरबड, और आप लोगों के लिए बढ़िया से वीडियो जो है बना दिया। जेन्युइन ओपिनियन दूंगा इस डिवाइस के बारे में कि मुझे कैसा लगा और क्या एक्सपीरियंस है इस डिवाइस का, क्योंकि मैंने इसको बहुत यूज़ किया जिम में, लगभग मुझे 2 हफ्ते हो चुके हैं। तो करते हैं इसके बारे में बातचीत। तो डब्बे की पैकेजिंग तो देखो वन प्लस की वही कॉमन वाली रही है, रेड व्हाइट इनका कॉम्बिनेशन रहा है। डब्बे के खोलते से आपको कोई कागज वागज दिख जाएंगे, इनकी रेड क्लब की केबल मिल जाती है आपको, और केबल के साथ में मिल जाता है रेड क्लब का कार्ड, तो वो सब आप चीजें देख लेना। बट यहाँ पर जो काम की चीज है वो है वारंटी, तो वारंटी जरूर से क्लेम कर लेना जब भी आप डिवाइस खरीद रहे हैं। बट बात करते हैं सीधे डिवाइस को लेके। तो वन प्लस ने लास्ट ईयर लॉन्च किए थे प्रो, और प्रो सीरीज के जो ईयरबड्स हैं शक्ल सूरत में बिल्कुल वैसे ही नजर आते हैं ये वन प्लस के बड्स 3। डिजाइन में कोई खास ऐसा चेंजेस नहीं कर रखे इन्होंने, मैट फिनिश की डिजाइन रखी है, वन प्लस की ब्रांडिंग कर रखी है, फ्रंट में आपको लाइट इंडिकेशन दे रखा है, पीछे आपका टाइप सी पोर्ट दे रखा है, और अंदर जो है आपके ईयरबड्स हैं, और ईयरबड्स के पास में ही आपको रीसेट बटन प्रोवाइड कर रखा है, इवन कनेक्टिंग बटन भी है ये। तो जैसे आप कनेक्ट करते हैं डिवाइस से तो इस वाला बटन को दबाना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो लाइट है वो ब्लिंक करने लग जाती है, और फिर आपके जो है पेयरिंग मोड में चले जाते हैं। अब ईयरबड्स के डिजाइन को लेकर बातचीत करते हैं। यहाँ पर तो फिटिंग काफी अच्छी लगी मुझे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, जिम में मैंने इसको पहना, बकायदा वर्कआउट वगैरह भी किया, तो मेरे को कंफर्टेबल लगे, और लंबे समय तक मतलब मैं पहन सकता हूँ इनको मूवीज वगैरह देखने के लिए, या मुझे अगर कुछ गाने वगैरह सुनना तो मैं इसको घंटों तक इस्तेमाल कर सकता हूँ, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है पर्सनली। तो फिटिंग तो अच्छी है, मैट फिनिश और थोड़ा सा ग्लॉसी का यहाँ पे टच दे रखा है इन्होंने, और स्टेम का डिजाइन भी परफेक्ट ही है, और टच के लिए उन्होंने हल्की सी मार्किंग कर रखी है, जो टच सेंसर है यहाँ पर उसकी मार्किंग कर रखी है इन्होंने, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप प्रॉपर टच वगैरह भी कर पाएंगे। तो डिजाइन वगैरह बिल्ड वगैरह में तो कोई देखो ऐसा मसला नहीं है, बट जो मेन बातचीत है वो है डिवाइस के फीचर्स को लेकर। अब ब्लूटूथ वगैरह तो काफी लेटेस्ट यूज कर रखा है, कनेक्टिविटी में दिक्कत नहीं आएगी, आप उसको अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं अपने फोन से डिवाइस से, इवन आप इसको 2 डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि डुअल कनेक्टिविटी का ऑप्शन दे रखा है। तो अगर यहाँ पे लैपटॉप यूज कर रहे हैं, फोन यूज कर रहे हैं, साथ में यूज कर सकते हैं, दोनों में आवाज जो है स्विच हो जाती है ऑटोमेटिक, जहां भी आप म्यूजिक प्ले करोगे, जहां भी मीडिया प्ले हो रहा होगा, ये स्विच कर लेता है अपने आप को, तो कनेक्टिविटी में दिक्कत नहीं है। सवाल यहां पर जो बड़ा है वो इसकी साउंड क्वालिटी और ANC को लेकर। अब ANC और साउंड क्वालिटी की मैं दो चीजों की मैं पहले बात करना चाहूंगा, साउंड क्वालिटी को लेकर। तो यहां पर जो इन्होंने 10.4 mm प्लस एक 6 mm का ड्राइवर आपको देखने को मिलता है, यानी कि जो एक सिंगल ईयरबड है इसके अंदर 2 ड्राइवर्स का यूज कर रखा है। अब ये जो यूज करने का केस बन जाता है वो है 2 रीजन, यहाँ पे आपको जो कोडेक के सपोर्ट ने वो ज्यादा देखने को मिल जाते हैं, सेकंड मोस्ट चीज है कि यहाँ पे जो बेस है वो काफी रीच आपको देखने को मिला, इसलिए यहाँ पे उन्होंने जो है बेस के लिए एक स्पेशल ड्राइवर को यहाँ पर इस्तेमाल किया है। परफॉर्मेंस सम्स की बात करूँ तो साउंड क्वालिटी मुझे बढ़िया लगी, कोई दिक्कत नहीं है, साउंड क्वालिटी रीच है, हर एक चीज काफी परफेक्ट आपको सुनाई दे जाती है, मतलब ट्रेबल्स भी बेस भी बैलेंस साउंड आपको मिलता है, इवन जो वोकल्स वगैरह वो भी काफी क्लियर है, तो अगर आप मूवीज वगैरह एंजॉय कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप अच्छे से यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। और अच्छी चीज ये भी है कि यहाँ पर आपको जो है इनका ऐप देखने को मिला था। अब ये जो है मेलोडी करके ऐप है, आपको मालूम होगा शायद ये सरकारी ऐप है इनका, यही ऐप जो है आपका ओप्पो में भी काम आता है, मतलब अगर ओप्पो की ईयरबड्स अगर आपने यूज कर रखे तो सेम ऐप जो है आपको उसमें भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर वही एप्लीकेशन का यूज कर रखा है, और एप्लीकेशन में जब जाते हैं तो कस्टमाइजेशन के ऑप्शन जो है आपको ढेरों दे रखे, बेस बढ़ा सकते हो, बेस को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, कस्टमाइजेशन इक्वलाइजेशन का ऑप्शन दे रखा है, कुछ इन्होंने प्रीसेट भी दे रखे हैं, तो जो भी आपको जैसा लग रहा है अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। साउंड क्वालिटी में हमें कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलते, इवन उन्होंने जो है वन प्लस का 3D ऑडियो वाला चीज भी यूज कर रखा है, जो कि एक स्पेशल ऑडियो वाली चीज बोलते हैं, दूसरे ब्रांड जो उसको बोलते हैं, 3D इफेक्ट मिलता है, मतलब आसपास की जो चीज है ऐसा लगता है कि आप थिएटर में बैठे हैं, एक हॉल वाला फील आता है, तो वो चीज यहाँ पर दे रखी है, मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा वो। अगर आपको लग रहा है यूज करना है तो आप कर सकते हैं, और किसी की चॉइस होती है। प्लस यहाँ पर आपको जो है ईयरबड टेस्टिंग का ऑप्शन भी दे रखा है। अभी काफी सारे यूजर्स के क्या होता है कि कान की लिसनिंग की पावर अलग अलग होती है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत जो है ईयर्स टाइप वेरी करते हैं, हर किसी का ईयर्स टाइप वेरी कर जाता है, साथ ही साथ यहाँ पर ईयर्स की जो लिसनिंग परफॉर्मेंस है वो कितनी है वो भी यहाँ पर जो है आपके ईयरबड्स हेल्प करते हैं आपको, क्योंकि आप यहाँ पे कस्टमाइजली अपने ईयरबड्स को सेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा ऑप्शन दे रखा है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है ना मुझे राइट वाले ईयर में आवाज कम आती है और लेफ्ट वाले में जो है आवाज ज्यादा आती है, तो वो आपकी जो प्रॉब्लम है उसको ये रिजॉल्व करता है, आप यहाँ पर एक बढ़िया सा जो है कस्टमाइजेशन कर सकते हो, ताकि आपको एक जैसा साउंड जो है इस ईयरबड्स में आ सके। तो ये मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, पर्सनली उन लोगों के लिए मुझे बढ़िया लगा कि जिनको थोड़ा सा हियरिंग इशू है, या फिर उनको जो फ्रीक्वेंसी वगैरह है जो प्रॉपर रीच आउट नहीं हो पाती है, तो यहाँ पर ईयरबड्स आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देता है। पर इन सबसे भी खास चीज पता मुझे क्या लगी इस डिवाइस में पूरे, कि ये स्लाइडिंग वॉल्यूम कंट्रोल के साथ में आते हैं। तो जैसे जिम में मैं यूज करता था ना, तो स्लाइड ऐसा करता था ऊपर तो प्लस हो जाता था, और नीचे करने में माइनस हो जाता, तो वॉल्यूम जो है कम ज्यादा काफी आसानी से हो जाती थी। टैप वाला फंडा नहीं रख रखा है इन्होंने, स्वाइप वाला फंक्शन रखा है, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, काम की चीज है ये। सेकंड चीज यहाँ पर
जो है कि इसमें ANC प्रोवाइड कर रखा है। अब जो ANC है इन्होंने 49 डेसिबल का क्लेम कर रखा है, 49 डेसिबल तक की जो भी नॉइज है आसपास की वो आपको सुनाई नहीं देगी, ये उसको कैंसिल कर देता है। अब रही बात एक्सपीरियंस को लेके, तो मैं जिम में यूज़ किया, मुझे दिक्कत नहीं आई, मुझे अच्छा लगा कि जो आसपास जो साउंड वगैरह ये बज रहा है, लोग जो बातचीत कर रहे हैं उसकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आती। आपने ANC ऑन कर दिया है ना, आप बिल्कुल आराम से उसको इस्तेमाल करते हैं। इवन जो AC वगैरह होते हैं, फैन वगैरह होते हैं, उन सब की नॉइज़ जो है गायब कर देता है। और ANC काफ़ी इफेक्टिव है, मतलब आपको दिक्कत नहीं आने वाली, आप बिल्कुल इसको इस्तेमाल करें। और मैं पर्सनली इसके ANC से इम्प्रेस्ड हुआ। हाँ, वैसे मैंने और भी ANC वाले ईयरबड्स यूज़ कर रखे हैं जो 50+ डेसिबल तक की भी जो है परफॉर्मेंस देते हैं। और IMO का एक ईयरबड था, मुझे वो बहुत पसंद आया था, उसमें काफी अच्छी नॉइस कैंसलेशन पावर थी, तो लगभग पावर इसमें भी आपको अच्छी मिल जाती है। अब अगली जो एक चीज यहाँ पे ये भी है कि इसमें आपको ट्रांसपेरेंसी मोड मिलता है, यानी कि जो बाहर की आवाज है वो भी आप सुन सकते हैं। उसके लिए आपको मोड दे रखा है, उसमें आपको जाना पड़ेगा, स्विच करना पड़ेगा। तो गाने सुन रहे हो आप, यहाँ पर वॉल्यूम थोड़ी सी कम कर लो तो आपको बाहर की आवाजें सुनाई देंगी। यहाँ पर एनहांस कर देता है माइक्रोफोन जो है बाहर की आवाज सुनते हैं और आपके स्पीकर में जो है आपको डाल देते हैं। तो ये एक फंक्शन भी दे रखा है, और उसका यूजेज तभी आता है जब आप वॉल्यूम थोड़ी कम रखेंगे। अगर आपकी वॉल्यूम हाई है ना, तो वैसे भी आपके किसी काम का नहीं है। हाँ, ये ट्रैफिक वगैरह के लिए बढ़िया रहता है, ट्रैफिक में जब आप म्यूजिक सुन रहे होते हैं या भीड़ भाड़ में कहीं जा रहे हैं तो आप थोड़ी सी वॉल्यूम कम कर लें, 50-40% के अराउंड अगर वॉल्यूम रखेंगे तो आप गाने भी इंजॉय कर सकते हैं और जो ट्रैफिक में चीज़ें हो रही हैं उस पर भी आपकी नज़र बनी रह सकती है। अब बाकी जो इंपॉर्टेंट दो बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं वो है वाटर रेटिंग को लेकर और दूसरा जो है बैटरी परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर वाटर रेटिंग में आपको IP55 मिल जाते हैं, यानी कि वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट है। हल्की फुल्की अगर आपको धूल लग रही है या पानी के छींटे लग रहे हैं तो डिवाइस सर्वाइव कर जाएगा, दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। जिम में वर्कआउट कर रहे हो, पसीना आ रहा है, बेफिक्र होकर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। सेकंड चीज जो है बैटरी। अब बैटरी को लेके बात की जाती है यहां पर, तो बैटरी में 44 आवर्स का जो है कंपनी का क्लेम है अगर आप इसको नॉन ANC मोड में यूज करते हो। ANC का यूज करेंगे तो डेफिनेटली जो है बैटरी का कंजम्पशन बढ़ जाता है और वो परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाती है। और सिंगल यूजेज की मैं बात करता हूं यहां पर, तो सिंगल यूजेज में लगभग आपको जो है 6-7 घंटे का कंटिन्यूस परफॉर्मेंस मिल जाता है, जो कि मेरे से अच्छा है। और ये भी एवरेज वॉल्यूम की बात करानी कि 60-70% आप वॉल्यूम पे यूज कर रहे हैं तो आपको इतनी परफॉर्मेंस यहां पर देखने को मिलती है, जो कि बहुत बढ़िया है। अब यहां पर उन्होंने फास्ट चार्जिंग वाली चीज भी इंट्रोड्यूस कर रखी है इस डिवाइस में, ताकि अगर आप इमरजेंसी वाले केस में हैं, आपको डिवाइस फटाफट से चार्ज करना है, 10 मिनट के लिए चार्जिंग पे लगाओ, आप इसको 7 घंटे तक जो है कंटिन्यूसली यूज कर पाएंगे। ये जो बैटरी परफॉर्मेंस की जो बातचीत है वो अच्छी है और दिक्कत नहीं है। मैं पर्सनली यूज किया ना, तो मैंने एक बार इसको चार्ज किया केस को, तो लगभग जो है मेरा हफ्ते भर चला, क्योंकि मैं रेगुलर यूज करता हूं, तो मेरा ये जो डिवाइस है हफ्ते से ज्यादा ही चला है और लगभग मेरे को परफॉर्मेंस ने अच्छी ही दी है। तो ये तो पर्सनली बातचीत हो गई डिवाइस को लेकर। अब कीमत की बात करते हैं। देखो, कीमत की बात करें तो अभी करंटली इसकी प्राइसिंग 5,500 रुपए दिखा रहा है इंटरनेट पर। मैंने अभी जस्ट आपको बताने से पहले था, वीडियो बनाने से पहले ही मैंने चेक किया, तो यहाँ पर जो प्राइसिंग दे रखी हुई है 5,498 रुपए, और ये जो है प्राइस अमेजोन पर है। अब इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे देखेंगे तो वहाँ भी लगभग आपको सेम प्राइस देखने को मिलती है, तो मेरे हिसाब से अभी ओवर प्राइस दे ये प्रोडक्ट 5,500 रुपए में। तो मैं इसको पर्सनली आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि देखो इतना पैसा अगर आप लगा रहे हैं ईयरबड्स में तो मैं यही चाहूँगा कि आपको बेहतर से बेहतर चीज़ मिल सके। अच्छी चीज़ है, डिवाइस बहुत अच्छा है, पर अभी मेरे हिसाब से करंट फेज में ये ओवर प्राइस है, मतलब 5,500 रुपए देना वर्थ नहीं, क्योंकि मैंने पर्सनली इसको 4,500 में खरीदा था, 5,000 रुपए था, क्योंकि 500 रुपए का डिस्काउंट ऑफर चल रहा था जब इनिशियल अगर आप इसको खरीद रहे हैं तो मैंने इसको 4,500 रुपए में खरीदा था, अभी 1,000 रुपए की प्राइसिंग बढ़ा रखी है। तो रिकमेंड यही करूँगा कि थोड़ा वेट करो, इंतजार करो, अगर ये अराउंड 4,000 आता है या 4,000 के नीचे आता है तो मैं कह सकता हूं कि डिवाइस बहुत वैल्यूएबल है, वर्थ रहेगा आपके लिए अगर आपने इसको खरीदा है, यूजेज के हिसाब से परफेक्ट है। इवन इसमें आपको जो गेमिंग मोड है वो भी प्रोवाइड कर रखा है, और बाकी जो चीजें वो आपको एप्लीकेशन कनेक्ट करने के बाद मालूम पड़ जाएगा कि इसमें बहुत सारे और भी फीचर्स यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहे हैं जिनको आपको एनेबल करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से प्रोडक्ट अच्छा है, बट ओवर प्राइस है, थोड़ा कम प्राइस में आएगा ये ऑफर्स में, तो आप इसको डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से देख लेना। बाकी अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, भाई की जेन्युइन बातें अच्छी लगी हैं, तो फिर एक लाइक फटाफट से ठोक दो और प्यारा सा कमेंट कर देना, और नए आए हो तो सब्सक्राइब वाला बटन आप लोगों के लिए दबा के जरूर से जाना। मिलेंगे सर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।